नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर संदीप बिश्नोई दिल्ली पुलिस में तैनात हूं। आज मैं फिर आप सब लोगों के बीच में आया हूं। एक आजकल बहुत ही सीरियस मैटर चल रहा है, उस सबको लेकर आजकल एक नया स्कैम शुरू हुआ है। इंस्टा पे मैसेंजर पे आपको एक लड़की मैसेज करती है, मैसेज करने के बाद आपकी उससे बात शुरू होती है। बात शुरू होने के बाद एक या दो दिन में वो आपको लड़की कहती है हम वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले लेती है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। उसके बाद वो वीडियो कॉल शुरू कर देती है और उसके जो स्क्रीन सेवर है उससे वो वीडियो की रिकॉर्डिंग करती है, वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करती है। और वो लड़की आपसे डिमांड करती है आप न्यूड हो, वो खुद भी अपने कपड़े उतारती है, इस तरह करके वो सारा अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उनका गिरोह होता है जिसमें 3-4 लड़के भी होते हैं और एक दो लड़कियां और होती है, वो आपको कॉल करेगी। कोई तो पुलिस वाला बनके कहेगा कि आपके खिलाफ लड़की ने ये कम्प्लेंट की है कि आपने उसके साथ ये ऐसे वीडियो कॉल कराई है, ये कराई है, वो कराई है। और एक दो लोग आपको फोन करेंगे कि जो आपके इंस्टा पे या मैसेंजर पे जो आपकी फैमिली है, जो आपकी फैमिली एड है, फैमिली वाले एड है, उनको वो वीडियो भेजने की धमकी देंगे। यूट्यूब पे आपकी वायरल करने की धमकी देंगे वीडियो। और आपके जो फैमिली वाले हैं जो इंस्टा पे या मैसेंजर पे, उनको वो हाय भी लिख देंगे जिससे आपको डर लगेगा यार ये तो मेरे घर वालों को पहचानता है, जानता है और ये वीडियो भेज देगा। वो आपसे पैसों की डिमांड करेंगे, शुरुआत होगी उनकी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से। जब आप उनकी डिमांड मांग लेते हो, 4-5 हजार रूपये दे देते हो, तो वो फिर और डिमांड बढ़ाते हैं, उसको 10,000 कर देते हैं, फिर 20,000 कर देते हैं, फिर 50, फिर लाख। इस तरह लोग आजकल इस तरह के स्कैम में फंसते जा रहे हैं और अपने रूपये बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की एक दो शिकायत आई है हमारे पास थानों में, उसमें मुकदमे भी दर्ज है। अलवर में अभी राजस्थान में ये एक गिरोह पकड़ा भी गया है इस तरह का। पर ज्यादातर लोग समाज के डर से या अपने घर वालों से, परिवार के डर से इस तरह के स्कैम में ज्यादातर तो शादीशुदा आदमी फंस रहे हैं, फिर उनकी बीवी को पता न चल जाए, इसलिए वो डरते हैं और पैसे दे देते हैं। वो जब तक आप पैसे देते रहोगे वो आपसे लेते रहेंगे पैसे और आपको धमकाते रहेंगे, डराते रहेंगे, इस तरह आपको वो नुकसान पहुंचाते रहेंगे। बेसिकली तो मैं इसलिए आया हूं फेसबुक पे कि पहले तो इस चीज का इंश्योर करें कि किसी अनजान आदमी या अनजान लड़की का आपके पास मैसेज आए तो उसको इंटरनेट ना करे, उस मैसेज का रिप्लाई ना करे, और फिर भी गलती से मैसेज का रिप्लाई हो जाए तो इस तरह की वीडियो कॉल ना करे। और फिर वीडियो कॉल कर भी ली, कोई आपको एक्सट्रोशन कर रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप उसकी शिकायत थाने में कराए, थाने में दर्ज कराए, इस तरह के क्राइम को रोका जाए। पर लोग ये सोचते हैं समाज में क्या होगा, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, इसके डर से वो शिकायत नहीं कराते और लोग उनको एक्सट्रोशन करते रहते हैं, उनसे पैसे लेते रहते हैं। इस तरह की आजकल बहुत ज्यादा ये क्राइम चल चुका है, हर दूसरे घर में या हर तीसरे आदमी में इस तरह का क्राइम है। हर आदमी, दूसरा आदमी या तीसरा आदमी इस क्राइम से ग्रसित हो चुका है, उसके साथ ये घटना हो चुकी है। तो पहले तो मेरे फेसबुक पे इस पे लाइव आने का एक ही मोटिव है कि इस तरह का पहले तो कोई अनजान लड़की से मैसेज या वीडियो कॉल पे बात ना ही करे। जो अनजान लड़की है जिसे हम जानते नहीं, उससे बात करने का मेन मोटिव क्या है हमारा, क्या वो चाहती है हमें पता ही नहीं होता, हमसे गलती हो जाती है। और फिर यदि हमसे गलती हो गई तो हम मुझे पैसे ना दे के उनकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करें। इस तरह यदि हमने शिकायत करनी शुरू कर दी और पब्लिक वाले अवेयर हो गए तो ये स्कैम यहीं खत्म हो जाएगा, वरना ये स्कैम और बढ़ता जाएगा, इनकी डिमांड और बढ़ती जाएगी। मेरे पास बेसिकली एक केस है, वो केस देख के नाम नहीं लूंगा किसी शिकायतकर्ता का, अच्छा नहीं लगता, उसके 2.5 लाख रूपये जा चुके हैं। तो इसलिए आज मैं इस फेसबुक पे लाइव आया हूं कि पब्लिक को और अवेयर करूं। जैसे उसके 2.5 लाख गए हैं, 2.5 लाख रूपये जाने के बाद भी उसने शिकायत दी है, थाने में केस रजिस्टर कराया है, तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने भी दे चुके हैं और दे भी जा रहे हैं, शिकायत नहीं कर पा रहे। तो मैं पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पहले तो इस तरह के अनजान आदमी से बात ना करें। यदि हमने बात कर ली और हमारी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग हो गई और यदि हमसे कोई पैसा मांग रहा है तो उसकी थाने में आके शिकायत करें। हमने किसी को पैसा नहीं देना। आजकल हमारे सीनियर अधिकारी जितने भी हैं, नए सीपी साहब आए हैं, ये इनका मोटिव ये है कि क्राइम को रोका जाए। और आजकल ये जो स्कैम है ये क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी लोग शिकायत भी नहीं करते समाज के डर से, अपने घर वालों के डर से, और वो पैसे भी दिए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं, उसके बाद भी लास्ट में परेशान हो जाते हैं। और वो जो ये इस तरह के स्कैम करने वाले हैं वो तुम्हारी फैमिली को लास्ट में वीडियो भेज ही देते हैं जब आप पैसे देने बंद कर देते हो। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि
पहले तो इस तरह की किसी मैसेज को और वीडियो कॉल को इंटरटेन ना करें। यदि फिर हमारी गलती हो गई किसी प्रकार से तो हम उसकी शिकायत थाने में दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार तमाम भाइयों को। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।